हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों में भी छात्र छात्राओं के लिए मनोहर सरकार कई बड़ी पहल की शुरुआत की है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए संशोधित ऑनलाइन नीति 2022 तैयार की है, जिसमें अब इस नीति के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से तबादला किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार की उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के छात्र छात्राओं के हित में एक सराहनीय कदम उठाया है। दरअसल प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए संशोधित ऑनलाइन हस्तांतरण नीति 2022 तैयार की है, जिसमें अब इस नीति के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हस्तांतरण किए जाएंगे। दरअसल विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि हस्तांतरण नीति इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगी और स्थानांतरण नीति के तहत सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत उन सभी असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसरों पर लागू होगी जिनके विषय में 80 या 80 से अधिक स्वीकृत पद हैं। उन्होंने बताया कि योग्य प्रोफेसर 15 सरकारी विद्यालयों की अपनी पसंद भर सकेंगे, लेकिन विकल्प देते समय ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके विषय उन महाविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं और कार्यभार के अनुसार रिक्त उपलब्ध है। वहीं असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसरों को जिनकी अनिवार्य ग्रामीण सेवा लंबित है, उन ग्रामीण महाविद्यालयों के चयन को भरना सुनिश्चित करेंगे जहां विषय पढ़ाया जा रहा है। ऐसा न करने पर सिस्टम ऑटोमेटिक ही प्राध्यापकों द्वारा भरे गए हैं शहरी महाविद्यालयों के चयन को स्वीकार कर देगा और हस्तांतरण नीति मौजूदा एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों पर लागू नहीं होंगी। अगर कोई एएनओ इस नीति के माध्यम से हस्तांतरण में भाग लेना चाहता है तो ये सुनिश्चित करेगा कि अच्छी कॉलेज में उसके शिक्षण विषय में एएनओ की पद रिक्त होगा। विभाग की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिनों के भीतर म्यूचुअल ट्रांसफर विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफर 5 साल की अवधि के लिए वैध होगा और अगर कोई पद पर कार्यरत प्राध्यापक सेवानिवृत्त हो जाता है तो अन्य पदाधिकारी को समय सीमा के बावजूद अगले ऑनलाइन स्थानांतरण में भाग लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।